दोस्तों, आज जो मैं आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि आप लोग को इससे पहले मैं जो थ्योरी दिया था उसमें मैं सिलेबस बता दिया था कि सिलेबस ये सब होता है, तो उस सिलेबस में जो है लोगों ने देखा कि सबसे पहले फंडामेंटल को देखा, और फंडामेंटल में पहले भी बता दिया था कि वो हमारे क्लास में दिया हुआ है। आप जो है उसके पार्ट वाइज दिए हुए हैं कंप्यूटर अवेयरनेस करके, तो आप जा करके वहाँ देख लेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। अब फ्रेंड हम लोग आते हैं, मेन है प्रैक्टिकल फ्रेंड, क्योंकि कहीं भी जाते हैं तो हम लोग को कंप्यूटर पे काम करने के लिए कहा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, अभी से जो है वो छोटी छोटी बातों को सीखेंगे, उसका तो धीरे 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 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तक पहुँचेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखने से पहले हम लोग को थोड़ा सा यूआई को समझना होगा सिस्टम को, ठीक ना। तो चलिए मैं सिखाता हूँ। आज मैं जो आप लोग को सिखाऊंगा, एक छोटा सा बस सिखाऊंगा कि अपने सिस्टम पे जो है कि वॉलपेपर को कैसे चेंज करना है, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए आपके पास लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, तो सामने में जो स्क्रीन है उसका जो आपको वॉलपेपर है वो कैसे आप चेंज करेंगे, वो मैं आज सिखाऊंगा आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं। आप लोग डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ गए हैं फ्रेंड, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड कुछ बात को पहले दिखा देता हूँ, थोड़ा थोड़ा कुछ बातों को समझा देता हूँ इसके, उसके बाद फिर हम लोग उस चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे फ्रेंड कि ये जो हमारे स्क्रीन के पास है, ये सारे को बोलते हैं डेस्कटॉप एरिया, ठीक ना फ्रेंड। ये डेस्कटॉप एरिया बोलते हैं स्क्रीन के, जब भी लैपटॉप या आपका सिस्टम खुला हो तो वहाँ का जो सामने फ्रंट का फेस होता है उसको बोलते हैं डेस्कटॉप एरिया। इस डेस्कटॉप एरिया पे क्या होता है, देखिए ये सारा है, ये सारा एप्लीकेशन है, ये सारा एप्लीकेशन का आइकन है, ठीक ना फ्रेंड। ये सारा एप्लीकेशन का आइकन दिख रहा है, और यहाँ पे जो है ये नीचे में जो देख रहे हैं इसको टास्क बार बोलते हैं, इसको टास्क बार बोलते हैं। और यहीं पर जो है एक स्टार्ट बटन होता है, इसको स्टार्ट बटन बोलते हैं। फ्रेंड आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो है जो हम सिस्टम यूज कर रहे हैं वो 8.1 पे मैं बता रहा हूँ, आपके पास 7 होगा तो यहाँ पे स्टार्ट दूसरे तरह का होगा, लिखा हुआ आएगा। तो आप लोग थोड़ा मतलब चौंकेंगे नहीं कि ये तरह बता रहे हैं कैसे, मेरे में ये आ नहीं रहा है। तो अगर आप 7 यूज कर रहे हैं तो आप में ये आइकन चेंज होगा, आप में स्टार्ट होगा यहाँ पे लिखा हुआ। उसके बाद जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस तरह का मेरा इंटरफेस खुल रहा है, लेकिन फ्रेंड आपका जो खुलेगा वो लिखा हुआ रहेगा कि सारे प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ करके आएगा, इस तरह से आइकन नहीं आएगा फ्रेंड। तो ये यूजर इंटरफेस का चेंज होता है 8.1 में या 7 में, और या 10th होगा तो 10 में भी जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से ही खुलेगा। तो ये बात को आप ध्यान में रखेंगे, आप घबराएंगे नहीं। आगे मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ क्या इसमें जो है, देखिए इस साइड जो रहता है वो टाइम सब रहता है, टाइम है, फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं बैटरी का सिंबल है। तो चूंकि मैं ये लैपटॉप में बता रहा हूँ तो यहाँ पे बैटरी बैटरी का सिंबल आ रहा है। अगर आपके पास सिस्टम है लगाए हैं कंप्यूटर है तो आपके पास बैटरी का ये सब शो नहीं करेगा। कुछ कुछ चीज़ें को देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सब सब ऑलरेडी पहले से है, तो आपके सिस्टम पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो फ्रेंड घबराएं नहीं कि मेरे सिस्टम पे क्यों नहीं है, ये चीज़ तो मेरे सिस्टम पे है नहीं, आपके सिस्टम पे। तो मैं बता देता हूँ ये सब शॉर्टकट होता है फ्रेंड, जैसे कि आप मोबाइल में यूज करते हैं ना कि शॉर्टकट ले आते हैं कहीं से उठा करके, कोई भी चीज़ को देखे अच्छा फोन है तो शॉर्टकट उसको फ्रंट में लाते हैं, तो उसी तरह से ये टास्क बार पर शॉर्टकट हम लोग ले आते हैं किसी प्रोग्राम को खोलने के लिए। और एक बार बताता हूँ कि टास्क बार में काम क्या होता है कि जब भी कोई भी प्रोग्राम ओपन होता है ना तो वो टास्क बार में ही आपको प्रेजेंट रहता है। जैसे मान लीजिए कितना भी प्रोग्राम खोलेंगे तो वो टास्क बार के पास आ जाएगा। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब आइए फ्रेंड आते हैं मेन बात पे, जो था कि वॉलपेपर को कैसे लगाना है। तो वॉलपेपर लगाने के लिए दो तीन तरीके से हम वॉलपेपर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वॉलपेपर किस तरह से लगाना है। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं कि आपके सिस्टम में जो होगा वो है कि लेफ्ट बटन को जो है, सॉरी राइट बटन को आप दबाएंगे, माउस के राइट बटन पे क्लिक करेंगे एक बार, और जैसे क्लिक करेंगे तो पर्सनलाइज में जाएंगे, ठीक। अगर आपके पास 7 हो 10 हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप पर्सनलाइज में जाएंगे, और पर्सनलाइज में जाने के बाद आप इसको क्लिक करेंगे। जिससे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह का आपके पास इंटरफेस खुल जाएगा। जैसे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा तो आपको वॉलपेपर चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे नीचे जाएंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप बैकग्राउंड आता है, यहाँ पे कलर है, यहाँ साउंड है, और यहाँ स्क्रीन सेवर है। तो आपको डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करना है, यानी वॉलपेपर चेंज करना है। तो
डेस्कटॉप बैकग्राउंड में जाएंगे इस तरह से, जैसे डेस्कटॉप बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जैसे इंटरफेस आएगा तो आप ये सब में से कोई भी वॉलपेपर आप लगा सकते हैं। अगर आपको ये सब में से कोई वॉलपेपर पसंद नहीं, ये सब बाय डिफॉल्ट सिस्टम में ऑलरेडी आपको मिलता है। अगर आपको ये सब पसंद नहीं आया तो आप यहाँ से विभिन्न कैटेगरीज को आप चुन सकते हैं। इस ऑप्शन पे जाएंगे तो विभिन्न कैटेगरीज को चुन करके आप यहाँ से कोई भी वॉलपेपर को चुन सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इसमें से मैं दिखाता हूँ किस किस तरह का है। तो अभी तो विंडो का डेस्कटॉप बैकग्राउंड है तो इस तरह से कुछ निकला हुआ। इसके अगली कैटेगरी को देखें तो पिक्चर लाइब्रेरी में आते हैं। तो पिक्चर लाइब्रेरी में कुछ हमारा जो जो फोटो है वो सब सब आ रहा है। और फिर यहाँ से चलते हैं टॉप रिलेटेड फोटोज वगैरह सब। तो यहाँ पे मेरा कोई फोटो नहीं है तो नहीं आ रहा है। तो अगला चलते हैं सॉलिड कलर। जैसे कोई आपको कलर लगाना हो आगे जैसे, तो ये कलर आप यहाँ से लगा सकते हैं। और यह आपको मान लीजिए कि ब्लूटूथ फोल्डर से अगर कुछ लगाना हो तो आप इस तरह से ब्लूटूथ फोल्डर भी लगा सकते हैं। फिर आपको मान लीजिए डेस्कटॉप से लगाना हो तो डेस्कटॉप के ऊपर, अगर मान लीजिए कोई स्क्रीन के ऊपर है तो वहाँ पे अगर कुछ फोटो है तो आप वहाँ से ये लगा सकते हैं। तो ये फ्रेंड लगाने के लिए, अब कैसे लगाएं कैसे यूज करें ये तो आपको कैटेगरीज में बता दिया कि ये सब सब है। अब यहाँ से फोटो को लगाना कैसे तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसको लगाने के लिए फ्रेंड आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि आप सबसे पहले विंडो डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर चले जाएं। जैसे आप विंडो डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे जाएंगे तो मान लीजिए ये सब में से सारे टिक हैं किए हुए हैं, ठीक ना। तो आपको करना क्या है ना कि बस किसी एक पे आपको टिक करना है। उससे आपको दिक्कत नहीं होगा कि सारे पे टिक है तो सारे लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। बस आप एक पे क्लिक करेंगे, जैसे आप पे किसी एक पे क्लिक करेंगे तो वो सारे अनटिक हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे और शेप चेंज कर देंगे। जैसे शेप चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि वॉलपेपर चेंज हो जाएगा। आप यहाँ से मिनिमाइज कर ले, देखिए वॉलपेपर चेंज हो गया। फ्रेंड उसी तरह से फ्रेंड फिर चाहेंगे कि हम थोड़ा चेंज कर लें, अगला वॉलपेपर को चेंज कर लें, फिर डेस्कटॉप बैकग्राउंड में चलेंगे। डेस्कटॉप बैकग्राउंड में जाएंगे फिर अगला यहाँ से क्या करेंगे, कुछ भी पिक्चर लाइब्रेरी में मान लीजिए कि आपका जो पिक्चर लाइब्रेरी में फोटो होगा वो सब आ जाएगा। तो यहाँ से हम वो भी चुन सकते हैं अगर हमको पसंद है। फिर अगला टॉप रिलेटेड फोटो है, यहाँ से भी नहीं है। उसी तरह आप कोई भी लगा सकते, सॉलिड कलर है, कलर हमको लगाना है मान लीजिए तो हमको ब्लू कलर पसंद है तो हम ब्लू कलर लगाएंगे और आपको जाके शेप चेंज कर देंगे यहाँ पे। तो ये ब्लू कलर का एक सॉलिड पैटर्न भी आपके सिस्टम पे लग जाएगा। तो फ्रेंड इस तरह से जो है आप वॉलपेपर को लगा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड जैसे कि मान लीजिए एक तरीका तो वो हो गया लगाने का। अगला है कि मान लीजिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसको मैं आगे करता हूँ, विंडोज पे आता हूँ। तो यहाँ पे एक पिक्चर पोजीशन ऑप्शन आता है। सपोज ये फ्रेंड कि आपका पिक्चर्स का साइज छोटा है सिस्टम पे तो आपका पिक्चर को पूरा सिस्टम पे नहीं आ सकेगा, वो क्या हो जाएगा ना कि छोटा हो जाएगा पिक्चर। तो उसके लिए फ्रेंड आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए फ्रेंड अगर आपका पिक्चर छोटा है तो आप स्ट्रेच डाल दें। जैसे आप स्ट्रेच डाल देंगे तो वो पूरा डेस्कटॉप पे आपका कवर कर लेगा। अगर आप मान लीजिए कि कुछ पिक्चर है वो बहुत बड़ा है, फिट पे डालना चाहते हैं तो उसको फिट कर दीजिए। बहुत बड़ा पिक्चर है और आप उसको वॉलपेपर पे लगाना चाहते हैं कि पूरा पिक्चर आ जाए तो आप फिट का ऑप्शन यूज कर लें। इसी तरह विभिन्न ऑप्शन है, आप कर करके एक बार ट्राई कर लेंगे और चेक कर लेंगे किस किस तरह का होता है कंडीशन, तो आप सीख जाएंगे। अगला है यहाँ पे कि चेंज पिक्चर। मान लीजिए आप बहुत सारा पिक्चर को लगाना चाहते हैं, ये सारे पिक्चर जितना टिक किए हैं सारे पिक्चर को आप लगाना चाहते हैं तो ये सारे पिक्चर बार बार चेंज होंगे। आप एक बार बस यहाँ पर ये सारे को टिक रहने देंगे और यहाँ पे सेव चेंज कर लेंगे तो ये सारे पिक्चर बार बार आपको चेंज होते रहेंगे। अब रहा बात कि चेंज कितने कितने सेकेंड में हो तो यहाँ पे देखिए टाइम दिया गया है, आप इसके अनुसार चुन सकते हैं। सबसे लास्ट जो है मिनिमम वो 10 सेकंड का लगा सकते हैं और एक दिन का सबसे मैक्सिमम लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपने वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं फ्रेंड। तो आइए फ्रेंड आप लोगों को दिखाता हूँ मैं अगला किस तरह से आपको लगाना है वॉलपेपर। तो ये चीज़ तो आप लोग को बताया कि यहाँ से जा करके आप राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके पर्सनलाइज में जा करके आप देख लोगे। दूसरा तरीका है कि जैसे मान लीजिए कि आपके कहीं पर भी किसी भी जगह पे हो वॉलपेपर, आप वहां पे उस वॉलपेपर पे क्लिक करेंगे एक बार। जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड तो क्लिक करने के बाद जो क्लिक फ्रेंड जब भी होगा तो लेफ्ट होगा, अगर आप माउस यूज कर रहे हैं तो लेफ्ट होगा, ठीक है फ्रेंड। आप इस बात को याद रखेंगे, राइट का यूज नहीं करेंगे क्लिक करने में, क्लिक जब भी होगा तो लेफ्ट बटन का यूज करेंगे। उसके बाद फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद चलेंगे
यहाँ पे देख रहे हैं डेस्कटॉप सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड डिफरेंट, तो यहाँ पे आप इस तरीका से भी आप लगा सकते हैं और वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये था दो आसान तरीका था फ्रेंड कि आप वॉलपेपर को कैसे चेंज करें। तो आई होप फ्रेंड कि आपको ये समझ में आया हो फ्रेंड, और अगर समझ में आ गया हो फ्रेंड तो आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दूसरों को भी बताइए। फ्रेंड मैं यहाँ पे पूरा फुल ट्यूटोरियल दूंगा, DCA क्लास का पूरा ट्यूटोरियल दूंगा फ्रेंड, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो फ्रेंड। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड।